जब गुनाहगार की बख्शिश का ख्याल आता है, जब गुनाहगार की बख्शिश का ख्याल आता है, या नबी आपकी रहमत का सवाल आता है। जब गुनाहगार की बख्शिश का ख्याल आता है, या नबी आपकी रहमत का सवाल आता है। बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने फ़हीम रज़ा खेड़वी को समाअत किया। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। हमारे पास आपकी ही बस्ती की एक जानी मानी आवाज़, एक खूबसूरत लहजा और मेरी फहरिस्त में मौजूद है, उनको आप समाअत करेंगे। इसके बाद फिर हमारे दूर दराज से आए हुए शोराए इकराम का सिलसिला शुरू होगा। आप देख रहे हैं मिंबरे नूर पर सना खान पैगंबर जनाब दिलशाद रज़ा साहब कुरई की सरजमीन से चलकर तशरीफ लाए हैं, वो भी मौजूद हैं। और मद्दाही खैरुल अनाम बुलबुले बागे मदीना जनाब हाफिज़ ओकारी शफीर चिश्ती साहब तबला जो राट से चलकर आए हैं, वो भी मिंबरे नूर पर जलवागर हैं। और जो बाकी हैं वो भी इंशाल्लाह जल्द अज जल्द एक एक करके मिंबरे नूर पर जलवागर होंगे। आप एक एक करके उनको सुनेंगे। एक मरतबा आप दोनों हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। फुटकर की अहमियत क्या है, ये दो जगह नजर आती है। एक तो जब दीन का कोई जलसा हो वहां पता चलता है फुटकर कितनी बड़ी अहमियत का हामिल है, या मस्जिद में जब जुमा पढ़ने के लिए बंदा जाता है ना, जब और उसको मस्जिद के डिब्बे में पैसे डालना हो, जब उसको पता चलता है कि फुटकर घर से लेके आते तो कितना फायदा होता। एक मस्जिद में एक साहब थे, वो जब डिब्बा आया मस्जिद घुमाने के लिए आया तो उन्होंने एक 2000 का नोट निकाल कर मस्जिद के डिब्बे में डाला, तो वो जो पीछे बैठा हुआ था वो बड़ी हैरत में पड़ गया और उनकी पीठ थपथपाई और कहा भाई आप कमाल के बंदे हैं, ऐसे पुरफितन दौर में ये 2000 रुपए मस्जिद में जुमे में कौन डालता है, अल्लाह आपको सलामत रखे आपकी कमाइयों में बरकत दे। तो उन्होंने दोबारा उसकी पीठ पर हाथ रखा और कहा मियां अल्लाह तुम्हारी भी कमाई में बरकत दे, लेकिन इस बार तो गलती कर दी, आइंदा ऐसी गलती मत किया करो, जब पैसे निकाला करो तो देख लिया करो नीचे पैसे गिर तो नहीं गए हैं, ये 2000 का नोट तुम्हारा ही था तो गिर गया था, मैंने उठाकर मस्जिद के डिब्बे में डाल दिया। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम फुटकर के बंदे के चक्कर में जो है वो निकालते नहीं, लेकिन जब अल्लाह निकलवाने पर आता है तो किसी ना किसी तरीके से निकलवा लेता है। तो ये हर चीज की अहमियत कहीं ना कहीं जब उसका मकाम होता है ना, जब जाकर के पता चलती है। तो ये जो लहजा मैं आपको देने जा रहा हूं इसकी अहमियत यहां नहीं पता चलती, जब ये कहीं खेला से बाहर निकल के जाता है जब इसकी अहमियत पता चलती है। बहरहाल सना खाने पैगंबर जनाब हाफिज अतर रजा कादरी से मैं इल्तिमास करता हूं कि वो तशरीफ लाएं और आपकी ज़हीन समातों के हवाले अपने अशआर पेश फरमाएं। आइए फिर जनाब अतर रजा साहब तबला से मैं इल्तिमास हूं और गुजारिश करता हूं वो तशरीफ लाएं और अपनी बेहतरीन आवाज से मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खिराज पेश करके हम सामईन के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला करें। पढ़ियों की महफिल है, ये नबी का मिलाद महफिल है। पढ़ी का दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना नबीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कथा के चंद शेर समा फरमाले कि जब नबी से प्यार कीजिए इस तरह से प्यार कीजिए, कि जब नबी से प्यार कीजिए इस तरह से प्यार कीजिए, बोलो बोलो सिर्फ दिल ही अर्ज कर दिया।
ज़ालिमों से उनके ज़ुल्म का बदला लेगा एक दिन खुदा। अरे बोलो 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 कि ज़ालिमों से उनके ज़ुल्म का बदला सबर का मिलेगा फल जरूर, सबर का मिलेगा फल जरूर, अरे थोड़ा इंतजार कीजिए, सबर का मिलेगा फल जरूर, थोड़ा इंतजार कीजिए, सबर का मिलेगा फल मिलेगा फल जरूर, थोड़ा इंतजार कीजिए, सबर का मिलेगा फल जरूर, थोड़ा इंतजार कीजिए। पढ़िएगा गुरुदेव पाक मुस्तफा की मोहब्बत का नगमा दिल को दिल से सुनाते रहे। मुस्तफा की मोहब्बत का नगमा दिल को दिल से सुनाते रहेंगे, कि मुस्तफा की मोहब्बत का नगमा दिल को दिल से इस तरह आशिकों के दिलों को हम मदीना बनाते रहेंगे, इस तरह आशिकों के दिलों को हम मदीना बनाते रहेंगे। के मुस्तफा की मोहब्बत का नगमा दिल को दिल से सुनाते रहेंगे, इस तरह आशिकों के दिलों को हम मदीना बनाते रहेंगे, इस तरह आशिकों के दिलों को हम मदीना बनाते रहेंगे। ये भी शेर आपके हमारे कारण कर खाता फरमा ले के माँ छुपाती है, के माँ छुपाती है आंचल में जैसे अपने बच्चों को खौफ खतर से, के माँ छुपाती है आंचल में जैसे
वैसे ही हश्र मैं मेरे आका के, वैसे ही हश्र मैं मेरे आका हासियों को छुपाते रहेंगे, वैसे ही हश्र मैं मेरे आका हासियों को छुपाते रहेंगे, वैसे ही हश्र मैं मेरे आका हसियों को छुपाते रहेंगे। के एक मर्द मुजाहिद ने जाकर ये अरब में कहा नदियों से, एक मर्द मुजाहिद ने जाकर ये अरब में कहा नजदियों से, के एक मर्द मुजाहिद ने जाकर ये अरब में जख्म पर मुस्कुराते रहेंगे, हमें इश्क बिलाली का रंग है, जख्म पर मुस्कुराते रहेंगे। आखिरी नाते पाक, उसके बाद में अपनी जगह लूंगा, पढ़ी का दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना नबी محمد بن علي والثاني عليك صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم محسوس هوا ايسا دل کو جنت کا نظارہ دیکھ لیا کہیں سبحان اللہ के महसूस हुआ ऐसा दिल को जन्नत का नजारा देख लिया, के महसूस हुआ ऐसा दिल को जन्नत Hey।
कि